हेलो, सबका स्वागत है अपने चैनल पे। तो रिको की तरफ से रिक्रूटमेंट आया है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी आपके लिए आई है। भले ये राजस्थान की रिक्रूटमेंट है और राजस्थान की गवर्नमेंट है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज लिमिट आपका 40 रहने वाला है जनरल के लिए, ठीक है। टोटल 155 वैकेंसीज है और वेरियस पोस्ट है, वेरियस सैलरीज है, तो हम पूरा डिस्कशन करेंगे डिटेल में। अगर आपने डिप्लोमा BSc BCA BE BTech MCA MSc ME MTech किया है और ब्रांचेस जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सिविल, तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो डिटेल में अभी जानकारी लेते हैं क्या है नोटिफिकेशन में और क्या नहीं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। तो फर्स्ट जो है एग्जाम सेंटर, डेफिनेटली राजस्थान का रिक्रूटमेंट है तो राजस्थान ही रहेगा, ठीक है, और पोस्टिंग भी उधर रहने वाला है। सेकेंड जो आपका प्रोसेस है, तो प्रोसेस आपका CBT रहेगा, ओके। और कुछ पोस्ट के लिए सिर्फ CBT है, मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, और कुछ पोस्ट के लिए CBT प्लस प्रोएफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट जो है मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेपरेट फी आपको देना पड़ेगा फॉर्म का। और सिर्फ इलेक्ट्रिकल और सिविल वालों को ही परसेंटेज क्राइटेरिया है, जो कि है 60% एग्रीगेट क्राइटेरिया। बाकी के जो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन है, CAC IT वाले हैं, उनके लिए परसेंटेज का क्राइटेरिया बिल्कुल नहीं है। एज लिमिट का कट ऑफ डेट जो है वो है 13th of November, ठीक है। जनरल EWS 40, OBC 45, SST 45 और PWD के लिए 55 ईयर्स एज लिमिट है। अभी आते हैं वैकेंसी वाइज ब्रेकडाउन पे। तो फर्स्ट वैकेंसी आपका प्रोग्रामर के लिए है, जो लेवल 12 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा, ठीक है। टोटल दो वैकेंसीज है और दोनों ओपन में ही है। अगर आपने डिग्री BE VTech MSc MCA BCA ME MTech किया है तो अप्लाई कर सकते हो। ब्रांचेस एलिजिबल है कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ECE वाले, ठीक है। और इसके लिए प्रोग्रामर पोस्ट के लिए आपका CBT होने वाला है और बाद में प्रोफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है। सेकेंड पोस्ट है असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए, जो कि लेवल 10 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा, ठीक है। तो टोटल दो पोस्ट है, एक OBUR के लिए है और एक BC के लिए है, बैकवर्ड कैटेगरी के लिए है। अगर आपने BE BTech BSc BCA MCA ME MTech किया है CAC IT और ECE में, तो अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। और डिप्लोमा वाले भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ जिन्होंने डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया है वही एलिजिबल है, ओके। तो CBT प्लस PT इसका भी सेम रहेगा प्रोसेस। थर्ड पोस्ट जो है स्टेनोग्राफर के लिए है, टोटल 19 वैकेंसीज है, ओके। और कैटेगरी ब्रेकडाउन आप देख सकते हो, UR के लिए 9, BC 3, SC 3, ST 2, EWS 1 है, ठीक है। और PWD के लिए रिजर्वेशन दिया है। अगर इसमें आपका कंपलसरी 12th है, ठीक है, तो फर्स्ट आपने अगर 12+ डिग्री किया है इसमें से कोई भी, तो अप्लाई कर सकते हो। ब्रांचेस CAC IT ECE है। सेकेंड जो है 12+ डिप्लोमा। अभी बहुत सारे कैंडिडेट डिप्लोमा डायरेक्ट 10 के बाद करते हैं, तो आपको इधर देखना पड़ेगा। बहुत कम लोग होते हैं जो 12th भी करते हैं और बाद में फिर डिप्लोमा जाते हैं, ठीक है। तो वही एलिजिबल है, क्योंकि 12th जो है आपका कंपलसरी चाहिए, ओके। इसका प्रोसेस भी CBT प्लस प्रोएफिशिएंसी टेस्ट रहने वाला है। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट, जो कि लेवल 6 के हिसाब से पोस्ट है और टोटल 80 वैकेंसीज में है। और UR के लिए 30, BC 16, SC 13, 9 ST, EWS 8 और MBC जो है मोर बैकवर्ड कैटेगरी है, तो इसके 4 वैकेंसीज है। और PWD के लिए भी रिजर्वेशन दिया है। इस पोस्ट के लिए भी 12th आपका कंपलसरी चाहिए और बाद में 12th के बाद अगर आपने डिग्री किया है BE VTech BSc BCA, तो अप्लाई कर सकते हो। ब्रांचेस CAC IT ECE है BE VTech के लिए। और 12th के बाद अगर डिप्लोमा किया है कंप्यूटर साइंस में, तो इस पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका प्रोसेस भी आपका CBT प्लस PT रहने वाला है। नेक्स्ट जो पोस्ट है असिस्टेंट साइट इंजीनियर, जो सिविल वालों के लिए है, लेवल 11 के हिसाब से आपको सैलरी मिलने वाला है। बहुत अच्छी पोस्ट है ये, और टोटल 49 वैकेंसीज है। UR 18 है, BC 11, SC 8, ST 6, EWS 4 और MBC 2 होने वाला है। अगर आपने डिग्री किया है सिविल इंजीनियरिंग में विद 60% एग्रीगेट, तो अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है, सिर्फ आपका एग्जाम होने वाला है। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर इंजीनियर के लिए, जो कि पावर में है और इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल है। अगर आपने डिग्री इलेक्ट्रिकल में किया है तो आप एलिजिबल हो। सिर्फ इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल है, ट्रिपल ही एलिजिबल नहीं है, ओके। 60% एग्रीगेट आपका चाहिए और 3 वैकेंसी है ओपन में, और इसका प्रोसेस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहने वाला है। तो जस्ट आपका CBT है, उसके बेसिस पे आपका मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन होने वाला है। इंपॉर्टेंट डेट फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है 17 अक्टूबर को और एंड होने वाला है 13th of November को। तो जस्ट ये वीडियो के बाद आप फॉर्म फिल कर दो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा मैं, ठीक है। एग्जाम डेट के बारे में बाद में आपको पता चल जाएगा, मैं डेफिनेटली आपको उसका अपडेट दे दूंगा। फीस जो है जनरल के लिए 1000 है, BC और EWS के लिए 750 है और SST PWD के लिए 500 रुपीज़ फी है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो है एग्जाम पैटर्न क्या है CBT के लिए, तो वह हम देखते हैं। तो एक तो आपका सेक्शन है कॉन्टेंट रीजनिंग, जिसके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। इंग्लिश और हिंदी, जिसके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। GK GS और कंप्यूटर नॉलेज, जिसके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। और टेक्निकल आपका रहेगा, जिसके 90 क्वेश्चन आने वाले हैं। और ये सभी के लिए है, सभी पोस्ट के लिए जो CBT का जो पैटर्न है वो सेम है। तो टोटल क्वेश्चंस आपके, एक तो नॉन टेक्निकल जो सेक्शन है उसके 60 है और टेक्निकल जो सेक्शन है उसके 90 टोटल क्वेश्चंस होने वाले हैं। मतलब 150 क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक है। 3 आवर्स आपको मिलने वाले हैं 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। और टोटल मार्क्स जो है हर एक क्वेश्चन को 3 मार्क्स है,
ठीक है, और निगेटिव मार्किंग 1 मार्क का दिया है उन्होंने, पेपर का लैंग्वेज दोनों रहने वाला है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है कुछ, उस कुछ भी लिमिट नहीं है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप फॉर्म अभी भर सकते हो, कुछ भी डाउट है फॉर्म के रिलेटेड, ठीक है, सेपरेट फॉर्म का वीडियो नहीं आएगा, तो इसके नीचे आप कमेंट कर सकते हो और फिर आप फॉर्म भर सकते हो। नेक्स्ट आपका स्ट्रेटजी वीडियो आएगा कि कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या सिलेबस रहेगा, पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, तो तब तक वेट करना है, प्रॉपरली फॉर्म भरो, फॉर्म में मिस्टेक मत करो, नहीं तो बाद में डीवी में रिजेक्शन हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा किसी भी एग्जाम के लिए आपका डाउट है और कुछ भी आपको पूछना है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।